तो आज हम कुछ थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं एक्सेल के ऊपर। बेसिकली हम ये जानना चाहेंगे पहले कि हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसके ऊपर अपने जो ऑफिस में जो काम करते हैं, आखिर हम किस किस तरह के वर्क एक्सेल का क्या यूज कर सकते हैं अपने ऑफिशियल लाइफ में, ये आज हम आपको इस क्लास में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जान लें, क्योंकि जनरली होता है क्या है, जनरली होता है क्या है कि आपसे अगर पूछता है या इंटरव्यू में भी या बहुत सारी जगहों पे पूछ देता है कि आप एक्सेल से ऑफिशियल लाइफ में क्या करते हैं। तो चलिए पहले इससे डिस्कशन करते हैं, फिर आगे इससे बढ़ेंगे। सर रिकॉर्डिंग वहां से परमिशन दे दी है। हाँ, अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग की परमिशन दे देता हूँ। चलिए आप रिकॉर्ड कर सकते हैं जैसे। सर स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम इसको अपने ऑफिशियल लाइफ में एक्सेल का यूज करते हैं डेटा एंट्री से, या डेटा एंट्री या डेटा स्टोरेज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये आपका डेटाबेस नहीं है, आप डेटा एंट्री करते हैं लेकिन ये डेटा स्टोरेज नहीं, ये डेटाबेस नहीं है, क्योंकि डेटाबेस के बहुत सारे नियमों का पालन नहीं करता है। तो मैं यही नहीं कह सकते एक्सेल डेटाबेस है, लेकिन हाँ आप अपने डेटा यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, कि जो हमारा डेटा होता है वो मिसलेनियस होता है। तो मिसलेनियस डेटा होता है या ऐसे भी, जैसे कि मेरे से छोटे लोग हैं, मेरे छोटे लोग हैं, उन लोग बड़े बड़े डेटा का अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम जैसे लोग उसको अपने पूरी डेटाबेस को एक्सेल पे ही रखते हैं, राइट सर। तो डेटा का मिसलेनियस डेटा को स्टोर करते हैं या फिर स्टोर करते हैं हम एसएमई को। मिसलेनियस डेटा क्या होता है, तो मिसलेनियस डेटा में दो तरह का होता है। जैसे मान लीजिए आप टैली यूज कर रहे हैं या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो छोटे मोटे जो रिकॉर्ड्स होते हैं जिसको एक्सेल में आप उस डेटा बेस में नहीं रख सकते। मान लीजिए जब टैली है तो छोटे मोटे आपने ऑफिस में खर्चे हुए हैं, जैसे फोटो स्टेट हुआ, चाय हुआ, कॉफी हुआ, अब इन सबों का रिकॉर्ड जो है हम इसमें नहीं रख सकते, सॉफ्टवेयर में रख सकते, इसलिए हम उसको एक्सेल में रखते हैं। डेली में एक बार एक पेटी कैश का एक अकाउंट क्रिएट कर देते हैं इसका, या फिर जो आपके एनालिटिक्स डेटा होंगे, आपके बड़े बड़े डेटा में से आपका डेटा स्टोर होता होगा, वहां से आप डेटा डाउनलोड करके उस पर आप एनालिसिस करते हो। तो इस तरह की एनालिसिस डेटा को भी हम स्टोर करते हैं एक्सेल। तो डेटा स्टोरेज होता है एक्सेल में। तो एक्सेल में डेटा स्टोर करते हैं। दूसरा आता है इसके बाद कैलकुलेशन। कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन के लिए एक्सेल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसका ध्यान। कैलकुलेशन के पर्पस से एक्सेल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए, जैसे ट्वेंटी है और यहां पे थर्टी है, अब मैं 20 और 30 को आपस में कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो सिंपली हम इसको यहां पे कर सकते हैं।
लेकिन बाकी डेटाबेस में क्या होता है, बाकी डेटाबेस में क्या होता है कि पूरी फील्ड कैलकुलेट होती है, एक सिंगल सेल कैलकुलेट नहीं होता है, और एक्सेल में एक सिंगल सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन का पर्पस बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद इसमें हम ये बोल सकते हैं डेटा एनालिसिस और डैशबोर्ड का इस्तेमाल होता है। जैसे कि कोई भी डेटा एनालाइज करके एक समरी रिपोर्ट हम बनाते हैं, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेटा शेयरिंग। अगर आप एक्सेल शीट को किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग से बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको मान लीजिए कि अगर हम किसी को अपनी एक्सेल फाइल भेजते हैं, तो किसी को कोई फाइल भेजते हैं, तो अगर एक्सेल नहीं है तो उसको कैसे देखेगा? या आपने टैबलू की या किसी अदर डेटा सोर्स की नोट फाइल अगर आपने भेज दी, अगर उसके सिस्टम में वो चीज होगा तो वो देख पाएगा ना सर? अगर उसके सिस्टम में नहीं होगा तो नहीं देख पाएगा। लेकिन एक्सेल अगर आपने भेजा तो एक्सेल मुस्लिमों के पास होता ही है, नहीं है तो ओपन आरजी हो गया, या फिर एक्सेल व्यूवर हो गया, या फिर वो गूगल सीट में भी ओपन करके देख सकता है। तो एक्सेल का यूज डेटा स्टोरेज, कैलकुलेशन, डेटा एनालिसिस और डेटा शेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्लियर है सर? अब चलिए हम बात करते हैं एक्सेल की एडिटिंग सिस्टम के बारे में, कि आपका एक्सेल जो है आपके डेटा को स्टोर कहां करता है। तो हर एक सेल का एड्रेस होता है, सीट आपका इसे ए हुआ, मंथ इसका एक एड्रेस है, वो क्या है? A1, ए रो एंड वन कॉलम। हर एक सेल का एड्रेस बनाया गया है। एड्रेस क्यों बनाया गया है? डेटा लिंकिंग के लिए। जैसे 20 और 30 है, तो मैं अगर इसको आपस में प्लस करता हूं या फिर हम डायरेक्टली कर सकते हैं 20 प्लस 30, तो इसमें क्या है कि अगर मैं 30 को चेंज करके 40 कर दिया तो हमारा ए आपका चेंज हो गया, बट ए चेंज नहीं हुआ क्योंकि ए जो लिंक है हमारा जैसे कि अगर एड्रेस सिस्टम कॉल समझना है तो समझिए,
मान लीजिए कि मुझे इन सब में 20 ऐड करना है, तो हमने क्या किया, इक्वल बेस किया, इसको सिलेक्ट किया प्लस 20 राइट, और एंटर प्रेस कर दिया। अब मैं हर किसी में लगाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी को कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, तो आप देखिए कि आपका चेंज हो गया, ऊपर में क्या था, A1 था, यहां पे इसका एड्रेस देखिए A1 था, नीचे A2 हो गया, A3 हो गया। तो जब भी आप फॉर्मूला लगाते हैं और उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, तो उसका फॉर्मूले के अंदर लगा हुआ जो A है, एड्रेस है, वो अपने आप को चेंज करता है। ठीक है, तो अपने आप को चेंज करता है, तो एक बेनिफिट है। अगर नहीं होता तो क्या होता, ऐसा नहीं होता तो हमें हर एक सेल में जाकर लगाना पड़ता ना सर, क्या सर? लेकिन ये कभी कभी दिक्कत भी देती है, जैसे कि मैंने D1 पे 20 लिख दिया, अब मुझे जो प्लस करना है और D1 की वैल्यू को प्लस करना है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया अब प्लस D1, 105 आ गया। ठीक है सर, सर अब इस 105 को मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं, तो क्या हुआ, यहां पे D1 था, यहां पे देखिए D2 हो गया, यहां पे D3 D4 D5 चेंज हो गया, जो कि गलत हो गई ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मुझे D1 को फिक्स रखना है, ठीक है, मैं नीचे ड्रैग करूं तो मेरा D1 फिक्स रहे, तो इस केस में मैं 1 के आगे डॉलर का साइन लगा देता हूं। नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए, ये देखिए D1 फिक्स चेंज हो गया। क्या सर, सर तो डॉलर साइन लगाने से क्या फायदा हुआ कि 1 हमारा फिक्स रहा, नीचे जब भी हम चेंज करेंगे तो 1 2 नहीं होगा, 1 ही 1 रहेगा। लेकिन हमने सिर्फ रो के आगे डॉलर लगाया है, नंबर के आगे, नंबर रो है, करेक्टर कॉलन है, तो मैं सिर्फ रो के आगे डॉलर लगाया है। मैं अगर कॉलम, अगर क्या है कि अगर कॉलम में ड्रैग करूं, यहां इसको से ड्रैग करूं, तो आप देखेंगे कि हमारा डी जो है ई बन गया, क्योंकि हमने रो के आगे डॉलर नहीं लगाया था। तो मैं यहां पे डॉलर का साइन लगा देता हूं, तो अब मैंने डी को भी लगा दिया, तो अब मेरा डी भी फिक्स हो गया। तो आप अपने हिसाब से कि कॉलम को लगाना है या रो को लगाना है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सर, डाउट सर इसमें? नहीं सर।
चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये डॉलर कंसेप्ट हो गया हमारा। एक्सेल की कुछ और चीज के बारे में जानने से एक एक्सेल की लिमिटेशन के बारे में जानना है। यहां आप पे सर्च करें LIMITS लिमिट्स, तो गेट हेल्प ऑन लिमिट पे क्लिक किया मैंने और यहां एक्सेल फीचर्स। ठीक है, हेलो यहां पे देखिए एक्सेल की लिमिटेशंस है। अब इसको एक बार केजोरी पढ़ लीजिए। सर जैसे कि यहां पे देखिए ओपन वर्कबुक, एक बार में कितने फाइल खोल सकते हैं, कितने नंबर रो है, कॉलम विड्थ क्या है, रो की हाइट क्या है। इस तरह से आप अभी जैसे लिमिटेशन को सर्च किया तो शॉर्टकट, शॉर्टकट भी आप यहीं पे सर्च कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे लिखे शॉर्टकट। तो ज्यादा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, फांसी हो रही है थोड़ा सा इसलिए। ओके सर, शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट पे यहां पे मैं क्लिक करता हूं, देखिए शॉर्टकट। यहां पे आपके सारे शॉर्टकट्स हैं। अब याद रखिएगा एक चीज, आपको याद करने से जो नहीं आएगी यूज करना होगा।
तो डेली आप एक दो घंटे का ऐसा टाइम रखें जिसपे आप माउस का यूज बिल्कुल ना करें। अच्छा सर, ठीक है ना। माउस का यूज बिल्कुल ना करें। इसके अलावा भी जैसे कुछ और शॉर्टकट है, जैसे मान लीजिए आपको होम मेनू बार में आपको बोर्डर पे क्लिक बोर्डर और बोर्डर अप्लाई कर, अब इसके लिए शॉर्टकट है नहीं या आपको याद नहीं, वो सारी चीज हो सकती है, तो आपने ऑल्ट की को प्रेस करें। ऑल्ट की प्रेस करके आप देखेंगे कि होम इंसर्ट पेज आउट फॉर्मूला डेटा रिव्यू सब में आपका एक की जो है वो हाईलाइट है। सो होम में एच है, तो मैं एच को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि होम मेनू बार के जितने भी शॉर्टकट्स है, जितने भी ऑप्शन है, उसके आगे शॉर्टकट लग गया है। मैं वापस एच प्रेस करूंगा, यहां देखिए ग्रेजर सर बोर्डर अप्लाई करना है तो अल्ट एच बी और ए के साथ ऑल बोर्डर के साथ ए है, तो याद होगा कि हाँ ये ऑल बोर्डर अल्ट से अल्ट एच से होम बी से बोर्डर ए से ऑल बोर्डर, तो कुछ इसी तरह सिमिलरिटी रहती है तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है सर। तो आप लिमिटेशन को पढ़ लीजिएगा, शॉर्टकट को पढ़ लीजिए ध्यान से, इसको हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद आगे चल के आपको मैं बहुत सारे ऑप्शन बताऊंगा, तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होंगे जो कि आप भूल जाएंगे या फिर कभी कि थोड़ी बहुत याद है लेकिन थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा तो याद आ जाएगा, ऐसा होता है क्या सर? सर आवाज आ रही सर मेरी आपको? हाँ सर आ रही सर। तो उस केस में अगर उस पर कर्सर रखेंगे तो उसका स्क्रीन टिप्स दिख जाएगा। इसके बारे में और डिटेल में चाहिए तो टेल मी मोर पे क्लिक करें, आपको वहां पे डिटेल आ गया सर। सर तो इसको आप इसमें से पढ़ सकते, लेकिन जनरली लोग क्या है कि गूगल यूज करते हैं, राइट? लेकिन जो गूगल में चीजें दी गई होती है वो 100% प्रूफ रीड नहीं होती है। बात यह है वो हम जैसे आप जैसे लोग जो है उसको आर्टिकल्स के रूप में वेबसाइट के रूप में लिखते हैं। इसलिए अब मैं हमेशा सलाह देता हूं कि जब भी आपको कुछ फाइंड करना हो आप जो है गूगल पे ही फाइंड करें। ठीक है सर। इसको एक अपने हिसाब से देखिएगा। उसके बाद बात करते हैं टेम्पलेट्स की। जब आप फाइल में जाते हैं न्यू पे क्लिक करते हैं ना सर, तो यहाँ पे बहुत सारे बने बनाए एक्सेल के टेम्पलेट्स होते हैं। क्या है इसके बारे में जान लीजिए। बेसिकली क्या है कि जब हम कोई चीज यूज करते हैं तो उसको मैनुअल मिलता है ना कि हाँ इससे इतना चीज हो सकती है। तो ये चीज आपको यही है वही है या एक तरह से यूजर मैनुअल है सर। ठीक है सर। एक तरह से आपका यूजर मैनुअल है।
इसमें से आप कुछ ऐसे को डाउनलोड करके आप जरूर देखिए, आप 10 टेम्पलेट को डाउनलोड करके देखेंगे तो इससे आपको आइडिया मिलेगा। तो इसका यूज क्या कर रहे हैं हम आपके ऑफिशियल लाइफ में करते हैं सर, इसका यूज जो है हम अपने ऑफिशियल लाइफ में करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे इनवाइस बनाना है तो यहाँ पे सिंपल इनवाइस करते, यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च करने का भी ऑप्शन है, यहाँ पे या सर्च करेंगे ऑप्शन। तो मैंने यहाँ मान लीजिए बिल का फॉर्मेट बनाना है मुझे, बिल का फॉर्मेट में बनाना है तो इसको हम यहाँ पे बिल सर्च करके सर्च करते हैं, जो भी बिल होगा मुझे आ जाएगा। तो जैसे बिल वाइज आ गया यहाँ पे, या फिर बिल की इनवाइस आ गया, या ये इनवाइस आ गया, सिलेक्ट किया, डाउन क्रिएट पे क्लिक कीजिए, अब यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका यूज इसको अपने हिसाब से चेंज कर लो, तब अपने यूज कर लो। तो अभी आपको जो बताया, मैंने बताया कि आपको एक्सेल की बारे में पढ़ना है, शॉर्ट पढ़ना है, और आपको एक्सेल हेल्प में से टेम्पलेट 8-10 डाउनलोड करके देखना है। इसको देखिए, फिर हम अगली क्लास में बात करेंगे। खांसी भी ठीक हो जाएगी सर।